हेलो गाइज, वेलकम टू लिटिल होप। अगर आप शिमला से मनाली जा रहे हो और आपकी विजिटिंग लिस्ट में मणिकरण शामिल है, तो मेरी सलाह है कि आप भुंतर में या कसोल में रुक जाए, क्योंकि एक तो कम्पेयर टू मनाली आपको बजट में काफ़ी अच्छी होटल्स मिल जाएंगी, दूसरा भुंतर से मणिकरण सिर्फ 35 किलोमीटर ही है और कसोल से सिर्फ 4 किलोमीटर, तो आपका ट्रैवलिंग टाइम भी बच जाएगा और आपको मणिकरण के आसपास घूमने के लिए भी टाइम मिल जाएगा, विच हैज़ अ लॉट टू एक्सप्लोर। मणिकरण हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित एक आध्यात्मिक और नैसर्गिक स्थल है, जो कि पार्वती वैली में पार्वती नदी के किनारे स्थित है। कुल्लू से 45 किलोमीटर, भुंतर से 35 किलोमीटर और कसोल से 4 किलोमीटर दूर है। अगर आपको प्रकृति प्रिय है तो आपको मणिकरण जाना ही चाहिए, लेकिन अगर आपको आध्यात्मिक जगह पसंद है तो भी आपको मणिकरण जाना चाहिए, क्योंकि यह हिंदू और सिख दोनों धर्मों का यात्रा स्थल है। यहाँ पर सिख समाज का गुरुद्वारा भी है और श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु, महादेव आदि के काफी मंदिर है। इसके साथ साथ भूगर्भ से निकलने वाला गर्म पानी भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। Let's go inside मणिकरण गुरुद्वारा। मुझे मणिकरण गुरुद्वारा बद्रीनाथ की याद दिला गया। पहाड़ों के बीच में नदी पर पुल से गुजर के गुरुद्वारे में पहुंचना और गर्म पानी के कुंड में नहाकर दर्शन करने जाना, इतनी सिमिलरिटी में बद्रीनाथ की याद कैसे नहीं आएगी यार। यहाँ पे मैंने पहली बार सिख कल्चर को इतने करीब से देखा। गुरुद्वारे के रिचुअल्स मुझे बहुत ही अच्छे लगे, जैसे कि सर ढक कर ही जाना, जिससे हम गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज को रिस्पेक्ट देते हैं। शांति से बैठकर लोग गुरु ग्रंथ साहिब जी की बानी सुन रहे होते हैं, दुआ कर रहे होते हैं, बड़ा ही सुकून मिलता है ये सब देखकर। और सबसे खास बात, यहाँ सभी धर्म के देवी देवताओं की तस्वीरें हैं और लंगर का खाना। रोज हजारों लोगों को मुफ्त में शुद्ध शाकाहारी खाना और बर्तन भर के चाय परोसी जाती है। खाने के बाद आपके हाथ से आपके झूठे बर्तन लेकर 3-4 बार लोग साफ कर देते हैं और पता है क्या बोलते हैं? वाहेगुरु सेवा। इन सभी लोगों को दिल से सलाम। You can also be a part of this सेवा। माना जाता है कि सिख गुरु गुरु नानक देव ने यहाँ की यात्रा की थी, उसी की स्मृति में ये गुरुद्वारा यहाँ पर बना है। चलिए अब चलते हैं मणिकर्ण मंदिर की ओर। मणिकर्ण का मतलब होता है कान की बाली। हिंदू मान्यता के अनुसार शिव पार्वती जी विहार कर रहे थे, तब पार्वती जी के कान की बाली यहाँ खो जाने के कारण यहाँ का नाम मणिकर्ण पड़ा। दूसरी मान्यता अनुसार मनु ने महाप्रलय के विनाश के बाद मानव की रचना यही की थी। यहाँ की हिस्ट्री आपको यहाँ पढ़ने को मिल जाएगी। यहाँ गर्म पानी के कुंड में लोग पोटली में चावल डालकर धागे से बांधकर पकाते हैं।
कहा जाता है कि लंगर का कुछ खाना बड़े बड़े गोल बर्तनों में यहाँ पकता है। सिख और हिंदू धर्म का प्यार भरा समन्वय, वो भी भरपूर प्रकृति के सानिध्य में। पर यहाँ आकर मुझे तो बहुत ही अच्छे वाइब्स मिले। अगर आप मणिकर्ण गए हो तो मुझे कमेंट में बताना कि आपको मणिकर्ण कैसा लगा। अगले वीडियो में हम मणिकर्ण के पास में ही एक्सप्लोर करेंगे हिमाचल की हिडन ब्यूटी को। तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड विद मदर नेचर। थैंक यू।